पूर्वी चंपारण जिला में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र का है, जहां चकिया के केसरिया रोड में छोटकी बाजार स्थित देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स की दुकान पर सुधीर सर्राफ और पवन सर्राफ दोनों व्यवसायी भाई बैठे हुए थे। उसी दौरान 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी आए। हथियारबंद अपराधियों को देखकर दोनों व्यवसायी भाइयों ने दुकान से जो लेना है उसे ले लेने की बात कही। उसी दौरान पवन सर्राफ ने अपने पास रखे पिस्तौल को निकालना चाहा, तभी अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों की गोली पवन सर्राफ के हाथ में और उनके भाई सुधीर के पेट में लगी है, जिन्हें उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों घायल भाइयों को रेफर कर दिया, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। गोली चलाने के बाद अपराधी बोरा में ज्वेलरी के डब्बा को भर लिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गया। हालांकि अपराधियों ने इस दौरान किसी भी ग्राहक को नुकसान नहीं पहुंचाया। जख्मी व्यवसायी पवन सर्राफ ने बताया कि अपराधी कितने की ज्वेलरी लूट कर ले गए हैं उसका हिसाब लगाना अभी मुश्किल है। दुकान पर जाने के बाद लूटे गए ज्वेलरी के बारे में पता चल सकेगा। हम लोग दुकान पर बैठे थे, आया है 8 आदमी लगभग था, और 8 आदमी के दोनों हाथ में पिस्टल था, बंदूक था, और जैसे ही हम अपना पिस्टल निकाले तब तक वो फायरिंग शुरू कर दिया, तो हमने छोड़ दिया। अगर हम फायरिंग करते तो सबको मार देता, और उसके बाद जो सोना का डिब्बा उबन था वो सब लूट ले गया है। तो आप लोग को कैसे गोली लगी? वो गोली वो मारा है हम लोगों को, चलाया है तब लगी है। लूट के प्रयास कर रहा था, विरोध किए? इसमें विरोध तो नहीं किए है, उसको हम बोले भी है कि आप ले लीजिए जो लेना है, लेकिन मारने से क्या फायदा, आप ले जाइए। उस बीच में हम अपना पिस्टल जो सही निकालने का प्रयास किए तब तक उसको आइडिया मिल गया होगा जो फायरिंग कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 5 खोखा को बरामद किया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों का पीछा किया, लेकिन अपराधी पीछा करने वालों पर भी फायरिंग करने लगे, जिस कारण ग्रामीण लौट आए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 5 खोखा को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है, ताकि अपराधियों की पहचान कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। देशवा न्यूज के लिए मोतिहारी से ब्रजेश कुमार झा की रिपोर्ट।